पश्चिम उत्तर प्रदेश की मेरठ की बात की जाए तो मेरठ ऐतिहासिक और पौराणिक महत्व रखता है। जहाँ यहाँ से क्रांति की शुरुआत हुई थी, भाई अगर हम 5000 वर्ष पुराने इतिहास की बात करें तो मेरठ का उल्लेख महाभारत कालीन इतिहास के लिए होता है। यहाँ विभिन्न ऐसे मंदिर हैं जिनके प्रति भक्तों की विशेष आस्था है। कुछ इसी तरह का कीना नगर के बारे में भी कहा जाता है। ऐसे में हमारे साथ पंडित जी हैं, हमसे ही जानना चाहेंगे कि क्या पूरा इतिहास है, क्या पूरी मान्यता है, क्या बताना चाहेंगे तुमसे। बाहर गंगा जी स्नान करा करके माता के लिए ला रहे थे तो यहाँ पीपल का वृक्ष था, एक वहाँ बैठ करके पानी पीने लगे लोग, खाना खाने लगे वही, और माता का जो प्रतिमा है वो बैलगाड़ी से फिसल गई। फिर उन्होंने उठाने का प्रयास किया लेकिन छोड़ करके चले गए, फिर उठी नहीं माता का प्रतिमा। फिर उसके बाद यहाँ कुछ समय बीता, कई साल बीते, उसके पश्चात एक सेठ जी हैं सोनू ऊन वाले, शीस महल में, ये मेरठ में पड़ता है शीस महल, वहाँ पर उनको माता ने स्वप्न में कहा कि मैं राम मंदिर बनवाया जाए, तो उन्होंने हम स्थापना कराई माता की इनकी ढूंढ के। उसके बाद फिर कुछ और समय बाद एक पंडित जी थे मंजुल शर्मा, उन्होंने, वो भी मेरठ के ही रहने वाले थे, उन्होंने माता का ये मंदिर विशाल जो ऊपर का जो हिस्सा है उन्होंने भी बनवाया। उनके कोई संतान नहीं थी तो उनके एक साल बाद लड़का पैदा हुआ। तो जब से ये बताया जाता है कि जिसके संतान नहीं होती, अगर हाँ, वो सच्चे मन से, जबी से लोग कह रहे हैं जी माँ भगवती की आराधना करे सच्चे मन से, तो ऐसे सभी लोगों की संतान होती है। हाँ, संतान होती है, विश्वास है, श्रद्धा है लोग। तो ऐसे कितने लोग यहाँ आते हैं जिनकी संतान? बहुत लोग आते हैं, तो मतलब कोई जिनके लड़के हाँ, नहीं होते उनके माँ, हाँ बच्चे उनके, जिनके बच्चे नहीं होते उनके बच्चे हो जाते हैं। बहुत प्राचीन चली आ रही है ये परंपरा है। और यहाँ लोग आकर के नारियल और चुन्नी चढ़ाते हैं, प्रसाद में विशेष प्रसाद जो है बतासा है माता का। भैया मैं तो बचपन से, जब से होश संभालम आके चरणों में आता है, मेरा तो पूर्ण विश्वास ही है, जिसकी जो भी परेशानी है, लड़का तो माँ का है ही, लेकिन जिसकी भी जो इच्छा होती है संपूर्ण होती है माँ के चरणों में, साक्षात प्रणाम यहाँ का है। मतलब सुनी कोक को माँ भरती हैं? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, सुनी कोक भी जिसकी जो भी परेशानियाँ उनकी निवारण होता है। बिल्कुल। क्या नाम? गीता उपाध्याय। गीता जी, क्या कहना चाहेंगे माता रानी के बारे में? कहा जाता है कि माता सुनी कोक को भरती है, क्या सच्चाई है? सच्चाई है। एक तो हमारी साथ ही हुआ जीत जागती कला, अभी भंडारा हुआ था होली पे, उसने हमसे पूछा, हमने कह दी गोद भरवाओ और हो गए, तो उसका एक के लड़की हुई, एक का लड़का, एक फिर एक का बेटा भी हुआ, वे भंडारा करके गए भंडारा। न्यूज 18 मेरठ से विशाल भटनागर की रिपोर्ट।